गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। और आप जैसा देख रहे हैं अभी का सेशन फोकस करेगा सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया मैपिंग। सो इन द मैप प्रैक्टिस फॉर UPSC सीरीज वी हैव फिनिश्ड विद द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इन डिटेल एंड आपको और कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है एंड यू कैन rely upon these videos and the PDF will be posted upon our Telegram channel IAS Toppers Mantra as you can see it here। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉर द बेस्ट वीडियोज ओवर UPSC प्रिपरेशन एंड लेट्स प्रोसीड अहेड इन टूडेज सेशन। तो सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व सबसे डिटेल्ड वीडियो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स वाला ये सेशन होने वाला है, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन से भरपूर। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए एंड एज यू कैन सी इन द इमेजेस यू कैन सी द मैंग्रोव फॉरेस्ट आउट हियर एंड रॉयल बंगाल टाइगर देख सकते हैं आप साफ साफ। इसका ये हैबिटेट है रॉयल बंगाल टाइगर का सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल सी दिस बायोस्फीयर रिजर्व इन डिटेल। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, दे आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे आर बिग प्रोटेक्टेड एरियाज, इनफैक्ट दे आर द बिगेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज एंड एक एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड होते हैं। एंड दिस बायोस्फीयर रिजर्व्स इसमें लोकल्स, ऐसा नहीं होता लोकल्स को हटाया जाता है, इनफैक्ट दे देयर सॉल्यूशंस what are they doing to conserve the habitat, उनके रास्ते से ही यहाँ पर conservation किया जाता है। In fact हम देखते हैं एक बार इस zonation को, biosphere reserves के अंदर zonation जो होता है, you can see a biosphere reserve consists of three regions, core area in the interior, उसके बाहर आप देख सकते हैं buffer zone, उसके बाहर transition area। core area के अंदर there are limited activities allowed, there is only research allowed, आप देख सकते हैं। तो कोर एरिया बहुत ही लिमिटेड, रिसर्च ओनली अलाउड, नथिंग एल्स। उसके बाद बफर एंड ट्रांजिशन जोन जिसके अंदर सारे एक्टिविटीज अलाउड है, ह्यूमन सेटलमेंट्स, रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड टूरिज्म एज यू कैन सी इट हियर इन बोथ दीज एरियाज। सो कोर एरियाज इन फैक्ट आर द दिस रिसर्च सेंटर्स इन साइड बायोस्फीयर रिजर्व्स, जबकि ट्राइबल्स का सेटलमेंट वगैरह ट्रांजिशन एंड बफर जोन्स में अलाउड रहता है एंड दे हेल्प इन फैक्ट इन the conservation of biosphere reserves and the biodiversity out there। और इसी biosphere reserves का nomination कैसे होता है, they are nominated by the national governments across the world, yes। तो इंडिया भी nominate करता है अपना biosphere reserves and they remain under the sovereign jurisdiction of India, yes। और साथ में एक और भी program है UNESCO Man and Biosphere Program by the International Institution of UNESCO। तो यही मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के लिए एंट्रीज भी इनवाइट की जाती हैं एंड द एंट्रीज आर गिवन बाय इंडिया आल्सो। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इट कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, सो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व्स को अक्रॉस द वर्ल्ड। एवरी ईयर इट इज डन and once chosen, once the biosphere reserves comes in the world network of biosphere reserves, after that the technical help and the financial help is also provided to that biosphere reserve in environment conservation। to UNESCO ka man and biosphere program aaj se lagbhag 5 decades back shuru hua tha, theek hai, 1970s mein, and tab se ye ek flagship program hai UNESCO ka focusing upon environment conservation through these big protected areas using sustainable solutions practiced by the tribals in the belt, tribals ka help lekar conservation, ye dekhiye। To India ne bhi nominate kiye hain bahut sare apne biosphere reserves UNESCO ke list ke liye aur kuch biosphere reserves, maximum biosphere reserves chose ho gaye hain network, world network of biosphere reserves mein, but many of them are still not chosen and you can see this map डिनोटिंग एवरी बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबंस आप देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल में लोकेटेड, ये देखिए, ये इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा पोर्शन लोकेटेड है एंड बांग्लादेश में सुंदरबंस जो मैंग्रोव एरिया है उसका अच्छा खासा पोर्शन लोकेटेड है। सो सुंदरबंस 2/3 ऑफ दिस वेटलैंड
एंड डेल्टाइक रीजन इज लोकेटेड इन बांग्लादेश, ओनली 1/3 इज लोकेटेड इन इंडिया एंड दैट टू इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आज हमारा फोकस एरिया यही बायोस्फीयर रिजर्व है। वी हैव फिनिश्ड विद ऑल अदर बायोस्फीयर रिजर्व्स इन दिस सीरीज एंड यू कैन वॉच एवरी वीडियो एंड टेक आउट इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए इससे बाहर सवाल नहीं जाएंगे। सो यू कैन सी दिस सुंदरबंस, ये देखिए ये टेरिटरी जो इंडिया और बांग्लादेश को डिवाइड कर रही है, देख सकते हैं आप, इधर बांग्लादेश का पोर्शन, इधर इंडिया का पोर्शन, 1/3 इज इंडिया, ठीक है, 1/3 ऑफ सुंदरबंस कम्स इन इंडिया। एंड सागर आइलैंड आप देख सकते हैं, बहुत फेमस, जहाँ पे मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल, बहुत बड़ा मेला भी लगता है, एंड इट्स अ हिंदू पिलग्रिमेज प्लेस, सागर आइलैंड। सो सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट डेल्टा एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का, यस, एंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यस। द इंडियन सुंदरबंस इज बाउंड, इंडिया का जो पोर्शन है 1/3 पोर्शन सुंदरबंस का, इज बाउंड ऑन द वेस्ट बाई रिवर मूरी गंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स के नेम्स इंपॉर्टेंट है, एंड ऑन द ईस्ट बाई रिवर्स हरिभंगा एंड रायमंगल। तो रायमंगल, हरिभंगा एंड मूरी गंगा, ये तीनों सुंदरबंस, इंडियन सुंदरबंस की बाउंड्रीज हैं। अदर मेजर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस इको सिस्टम आर सप्तमुखी, थकुरन, मतला एंड गोवासाबा। ये देखिए, तो सप्तमुखी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिवर है, एंड मूरी गंगा एंड हरिभंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। सुंदरबंस हैज एक्सट्रीमली रिच डाइवर्सिटी ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल फ्लोरा एंड फौना, एंड इन फैक्ट सुंदरबंस हाईली प्रोडक्टिव, वेरी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। ये देखिए, अगर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी चेक किया जाए सुंदरबंस का, तो इसका वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है इकोसिस्टम्स में। एंड ऑल्दो दिस रीजन इज लोकेटेड साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकेशन जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में, ठीक है, येट द टेम्परेचर इज इक्वेबल ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू द सी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जितना आसपास जितना तापमान रहता है, उतना ही तापमान यहाँ पे भी, उतना ही टेम्परेचर्स। तो एवरेज एनुअल मैक्सिमम टेम्परेचर इज अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस एंड एवरेज रेनफॉल इज 2000 मिलीमीटर्स, आप देख सकते हैं लगभग, दैट इज 200 सेंटीमीटर्स। सो अच्छी खासी बारिश, अच्छा खासा मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर, मॉडरेट टू हाई रेन्स। एंड द बायो ज्योग्राफी ऑफ सुंदरबंस इज यूनिक एंड द रीजन हार्बर्स अ रिच डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ स्पीसीज कंटेंट, इकोसिस्टम एंड हैबिटेट टाइप्स। द डेल्टाइक इकोसिस्टम विच इज द सिंगल लार्जेस्ट कंटिन्यूअस एरिया इन द वर्ल्ड, देखिए डेल्टाइक इकोसिस्टम सिंगल लार्जेस्ट डेल्टा कंटिन्यूअस एरिया वर्ल्ड में फॉर थ्रेटेंड बंगाल टाइगर एंड इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कंटिजुअस मैंग्रोव पैच ऑन ग्लोब अलॉन्ग विद बांग्लादेश। तो याद रखिएगा, डेल्टाइक इकोसिस्टम, जो डेल्टा का पोर्शन है सुंदरबंस में, इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कंटिन्यूअस हैबिटेट ऑफ थ्रेटेंड रॉयल बंगाल टाइगर। Also, it is the largest stretch of mangrove patch on the globe along with Bangladesh. It is very productive and is well known for its greater degree or specialization. And Sundarbans is the largest, is having the largest diversity of this on the planet. You can see it here, plants and animal species, dono yahan paaye jaate hain. And Sundarbans Biosphere Reserve ke andar jo core area hai, वहाँ पे सुंदरबंस नेशनल पार्क इज लोकेटेड, इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपने कोर एरिया देखा स्टूडेंट्स, कोर एरिया क्या होता है, यहीं पे सुंदरबंस नेशनल पार्क है और इसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट हियर। द एंटायर ईस्टर्न इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द फिशरी रिसोर्सेज फ्रॉम सुंदरबंस, तो ये भी इसका सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए, तो नोट करते जाइएगा, पहले रिवर्स नोट किया हम लोगों ने, रिवर्स बहुत ही आवश्यक है नोट करना, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट टू नोट इट डाउन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है सुंदरबंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नोट कीजिएगा। नेक्स्ट, सिंगल लार्जेस्ट कंटिन्यूअस हैबिटेट और एरिया फॉर रॉयल बंगाल टाइगर एंड लार्जेस्ट मैंग्रोव पैच ऑन द ग्लोब, ये दोनों इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, याद कीजिएगा। एंड ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सिग्निफिकेंस इन फिशरीज। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए, ये वही सेम इंफॉर्मेशन, सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड एंड कंसिस्ट ऑफ दिस मच मैंग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर इंडिया एंड बांग्लादेश, यू कैन सी इट हियर,
लगभग 1/3 to 2/3 के रेशियो में। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द मैंग्रोव प्लांट सुंदरी ट्री। देखिए यहाँ पे हेरिटेरिया माइनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सुंदरी ट्री से सुंदर वंश नाम पड़ा है, विच इज अ मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव क्या होते हैं हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसका साइंटिफिक नेम हेरिटेरिया माइनर एंड सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व। इट इंक्लूड्स सुंदरबंस टाइगर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क, हैलिडे आइलैंड एंड लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हैलिडे आइलैंड, लोथियन आइलैंड भी सुंदरबंस के अंदर पाया जाता है, सेंचुरीज हैं और ये यूपीएससी सवाल पूछ सकती है। एंड विद सजन खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो फॉर्मिंग द बफर एरिया। So these are the small protected areas inside Sundarbans. I repeat, अगर आपको नोट करना होगा तो Sundarbans Tiger Reserve इसके अंदर located है, ठीक है, Sundarbans National Park इसके अंदर located है, ये तो बहुत easy है याद करने में, ठीक है। इसके अलावा Halliday Island Sanctuary, you can see it here, Halliday Island, and इसके अलावा fourth point Lothian Island Sanctuary, ये देखिए, एंड फिफ्थ सजनखली आइलैंड, सजनखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज इट एंड इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया एंड रामसार साइट। जो भी टैगलाइंस ग्लोबल लेवल पर दिया जाता है एनवायरमेंट कंजर्वेशन की फील्ड में, ऑलमोस्ट ऑल टैगलाइंस आर विद सुंदरबंस। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, रामसार वेटलैंड साइट भी है। रामसार वेटलैंड साइट इनफैक्ट इसे 2019 में इट वॉज डिक्लेयर्ड क्वाइट रिसेंटली, 3 years बैक। एंड मैन ईटिंग टाइगर्स आर फाउंड इन दिस बेल्ट एंड कंट्रोलिंग द टाइगर्स इज अनदर मेजर एक्टिविटी बिकॉज मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है इस बेल्ट में। तो आप देख सकते हैं कैजुअलिटीज आर ह्यूज। And apart from this, the mangrove, ये tigers के अलावा focus area और mangrove पे, mangrove interpretation center is established at Sajnakhali, ये देखिए अभी हम लोगों ने देखा sanctuary है and वहीं पर located है ये। और कैसे ये prevent किया जाता है tigers की entry villages में, villages में enter कर जाते हैं tigers, villages यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। So ये देखिए, it is also believed that due to use of human mask and electric human dummies, the tigers will stay away from the people. The straying of tigers into nearby villages is prevented through measures such as nylon net, fencing and solar illumination of villages. So this can come ki ye UPSC mein aa sakta hai. Consider the following steps: nylon nets, fencing, solar illumination, human mask. Which of the above are used to prevent tigers from entering the villages? तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ये नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी और भी बाकी है, आइए देखते हैं आगे। सो दिस इज इट, अपार्ट फ्रॉम व्यूइंग द वाइल्ड लाइफ फ्रॉम बोट सफारीज, टूरिज्म यहाँ बहुत फेमस है ये जगह, ठीक है। द विजिटर्स ऑल्सो विजिट न्यूमरस प्लेसेस, ये देखिए इसमें सजनखली बर्ड सेंचुरी, जम्बू द्वीप, हैलिडे आइलैंड, सागर आइलैंड, भगवतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ये देखिए यहाँ पे क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट भी है इस जगह पे, नीम कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एंड इट इज फाउंड इन सुंदरबंस इन शॉर्ट। और देखिए ये रामसर साइट से उठाया है मैंने इंफॉर्मेशन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये देखिए सुंदरबंस वेटलैंड, रामसर कन्वेंशन, इनफैक्ट आपको पता ही होगा रामसर इज अ सिटी इन ईरान जहाँ पे 1971 में मीटिंग हुई थी रिगार्डिंग दिस कन्वेंशन टू कंजर्व द वेटलैंड्स। वेटलैंड का मतलब होता है वो इकोसिस्टम जहाँ पानी का पेरेनियल प्रेजेंस, वाटर इज पेरेनियली प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर इन दैट रीजन, लेक्स रिवर्स वाटर बॉडीज ऑल्सो वेट सॉयल मार्शी एरियाज एंड स्वैम्प, ये सारी जगहों को वेटलैंड घोषित किया गया है। और वेटलैंड्स में मैं बता दूँ वेटलैंड्स, वाई आर वेटलैंड्स कंजर्व इन द वर्ल्ड, बिकॉज वेटलैंड्स में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, दिस द सॉयल इज कवर्ड बाई वाटर, ये देखिए एंड सॉयल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी वजह से एनरोबिक प्रोसेस आर एट वर्क आउट हेयर, एनरोबिक मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए एनरोबिक प्रोसेसेस यहाँ काम करते हैं, इसलिए यहाँ का एक डिस्टिंक्ट एंडेमिक यहाँ का पूरा फूड चेन है और फूड वेब है। दिस इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द वेटलैंड्स।
डिस्टिंक्ट एंडेमिक फूड चेन, फूड वेब, बायोडाइवर्सिटी, सब कुछ अलग है इस बेल्ट में। तो सुंदरबन वेटलैंड आप देख सकते हैं, इज लोकेटेड विद इन द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। द सुंदरबन्स encompasses hundreds of islands and a maze of rivers, rivulets and creeks in the delta of river Ganga and Brahmaputra on the Bay of Bengal in India and Bangladesh. The Indian Sundarban covering the southwestern most part of delta constitutes over 60% of India's total mangrove forest area. ये देखिए, includes 90% of Indian mangrove species. तो इंडिया में जितने मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, मैंग्रोव एरिया पाया जाता है, उसका 60% is found in Sundarbans only. आइए एक बार देख ही लेते हैं मैंग्रोव्स का मतलब क्या है, लेट्स सी। तो ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से मैंने ये डेटा निकाला, आप देख सकते हैं। मैंग्रोव्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, यस सॉल्ट टॉलरेट करते हैं, कम्युनिटी ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटर टाइडल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो टाइडल बेल्ट्स में पाए जाते हैं, ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में, दे आर नॉट फाउंड इन टेम्परेट बेल्ट्स। ये देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है मैंग्रोव्स का, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ये देखिए, यहाँ पे दिस नियर दिस चिल्का लेक इन ओडिशा, ये देखिए नियर तमिलनाडु आल्सो, एंड आल्सो इन गल्फ ऑफ खम्बात एंड रन ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, ये देखिए। सो दे आर फाउंड बेसिकली बिटवीन 24 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री साउथ के बीच में लोकेशन इनका देखा गया है, एंड दे आर अडेप्टेड टू लिव इन द दिस सॉल्ट सॉल्टी रीजन्स। और इन शॉर्ट ये इस जगह पे सॉल्ट कहाँ से आया, इस जगह के पानी को ब्रैकिश वाटर भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ब्रैकिश वाटर मीन्स जहाँ की सैलिनिटी, जहाँ का सॉल्ट लेवल इज इन बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड ओशन वाटर। तो ये एवरेज थोड़ी सैलिनिटी होती है, ना ओशन वाटर की तरह पूरा खारा पानी, means it's neither that much saline as the ocean water, it is neither fresh as a river water, it is a mixture of both, and this is why it is having a average salinity, and in this lives the in these regions survive the mangrove trees. ये देखिए mangrove trees के कुछ adaptations हैं, adaptations इस बार UPSC में आ सकता है students, very very important. So you can see this lack of oxygen is there in the water, yes. High salinity content and daytime inundation of the this trees inside the water, and so these trees are adapted. ये देखिए इसमें क्या क्या adaptation, देखिए these roots, you can see these roots coming out, yes these roots are prop roots and stilt roots कहते हैं इसे, ये देखिए। ये क्यों जरूरी होता है stilt root and prop roots, just to ensure होल्ड, यस गिविंग स्ट्रेंथ टू द ट्री, क्योंकि पानी के अंदर है, देखिए यहाँ पे इट्स अ वाटरी बेल्ट, पानी के अंदर अपने आप को दिस ट्रीज को स्टैंड करना अपने आप में एक मुश्किल काम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड दिस इज वाई टू गिव स्ट्रेंथ टू द ट्रीज द प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सडन अदर रूट्स कॉल्ड एज न्यू मैटोफोर्स, देखिए नीचे से ऊपर की तरफ देखिए, ये पानी है इसमें से ऊपर की तरफ न्यू मैटोफोर्स, ये देखिए न्यू मैटोफोर्स, दे आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग, यस एरियल ब्रीदिंग रूट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंग्रोव्स के न्यू मैटोफोर्स, ब्रीदिंग रूट्स एंड प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स गोइंग इन द वाटर, ये कुछ अडेप्टेशन है। इसके अलावा लीव्स, ये देखिए लीव्स आर वेरी वेरी फ्लैशी, ये सक्सुलेंट लीव्स, ये देखिए वैक्स का प्रेजेंस लगता है, बहुत चिकनाई और बहुत मोटे लीव्स, व्हाई, जस्ट टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एवापोरेशन होता है वाटर का लीव सरफेस से, लीव के स्टोमेटा से, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्यों उसको प्रिवेंट करने की बात चल रही है, बिकॉज वाटर तो कम है इनके पास अवेलेबल, वाटर क्यों कम है, बिकॉज दिस वाटर इज सलाइन वाटर, सलाइन वाटर इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर द मैंग्रोव्स, दिस इज द रीजन दे बिहेव लाइक ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन, यस ज़ेरोफाइटिक, दे बिहेव जैसे कि वो डेजर्ट में रह रहे हैं, ऐसा बिहेव करते हैं, ये देखिए पानी बचत करते हैं, कैसे स्टोमेटा के ऊपर कवरिंग, ऑल्सो sunken stomata, आप देख सकते हैं stomata sunken deep inside the leaves, why, ताकि हवा से संपर्क ना हो सके, एयर से संपर्क होगा तो जल्दी वाटर evaporate करेगा,
So these adaptations might come up students in this UPSC prelims. Yes, succulent leaves, sunken stomata, aerial breathing roots called pneumatophores, stilt roots, buttress roots. Also VV Peri, VV Peri ka matlab kya hai? The new plants se jo grow karte hain, saplings, ye dekhiye, they grow, the new saplings grow bigger, means the seeds germinate, germination ka process aur saplings ka growth usi samay ho jata hai when they are attached to the parent tree. Yes, aur ek bar jab bade ho jate hain tab ye parent tree se detach hote hain. सीड का जर्मिनेशन होता है वाइल द सीड इज अपॉन द पैरेंट ट्री इटसेल्फ एंड दिस इज नोन एज वीवी पैरी. इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट है, बहुत इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है मैंग्रोव्स के. इस बार सवाल यूपीएससी पूछ सकता है. और देखिए मैंग्रोव्स का बहुत सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए. इट इज अ इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक, इट इज अ लाइवलीहुड सोर्स फॉर कोस्टल कम्युनिटीज, कलेक्शन ऑफ हनी, वैक्स, फिशिंग, टैनिंस, बहुत मल्टीपल डाइवर्सिटी यहाँ पाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैनी फिश स्पीसीज एंड इट ऑल्सो स्लोज डाउन वाटर फ्लोज एंड एनहेंसेज सेडिमेंट डिपोजिशन. यस, इनफैक्ट सुनामी के खिलाफ भी मैंग्रोव्स का बहुत बड़ा रोल होता है. दे प्रोटेक्ट द कोस्टल एरियाज फ्रॉम सुनामी, स्टॉर्म सर्ज, सॉयल एरोजन, ऑल्सो फ्रॉम साइक्लोन्स. और 2004 में जो सुनामी आया था दिसंबर 26 को इंडिया में, चेन्नई के आसपास, मसूलीपट्टिनम के आसपास, वहाँ पे मैंग्रोव्स का प्रेजेंस और ज़्यादा स्ट्रेंथ देता. बट मैंग्रोव्स हैव ग्रेजुअली कम डाउन इन साउथ इंडिया बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़. तो ये देखिए मैंग्रोव्स का अच्छा खासा पॉइंट. ये देखिए, द टोटल मैंग्रोव कवर इन द वर्ल्ड इज दिस मच, विच इज़ 1% ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बहुत कम मैंग्रोव्स हैं पूरे वर्ल्ड में. Mangroves are distributed over 123 countries and Asia has the largest extent of the world mangroves. You see, and about 40% of these mangroves are found in Southeast Asia and South Asia. Dakshin Asia, Dakshin Purvi Asia, yani ki India se lekar kahan tak, this Vietnam ke belt tak mangroves zyada paaye jaate hain. And South Asia has the highest percentage of mangroves in the world. You see, 6.8%. तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव साउथ एशिया में पाए जाते हैं. साउथ एशिया में, दिस साउथ एशिया के अंदर जो मैंग्रोव्स हैं उसमें इंडिया का भी, इंडिया में प्रेजेंस है अच्छा खासा. तो ये देखिए मैंग्रोव की स्पीसीज, ये एविसेनिया ऑफिसिनालिस, राइजोफोरा मुक्रोनाटा. राइजोफोरा वर्ड याद रखिएगा, एविसेनिया वर्ड याद रखिएगा एंड इसके अलावा हेरिटेरिया वर्ड याद रखिएगा. यही तीन जीनस याद रखिएगा. इट विल बी सफिशियंट. यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चंस दैट एविसेनिया, राइजोफोरा और हेरिटेरिया ट्री कहाँ पाए जाते हैं. मैंग्रोव्स ट्रीज हैं कहाँ पे? इन द मैंग्रोव बेल्ट्स, दैट्स इट. मैंग्रोव कवर इंडिया का आप देख सकते हैं, द हाइएस्ट इज फाउंड इन वेस्ट बंगाल 42%, फॉलोड बाई गुजरात. ये देखिए, so by default Sundarbans is having the largest area of mangrove in India. इसी से signify हो गया, rank 1 West Bengal, rank 2 Gujarat, rank 3 Andaman Nicobar Islands. ये note कर लीजिएगा order में mangrove का presence. मैंने mangrove भी पढ़ा दिया Sundarbans के session में. so this was what we were seeing out here. देखिए and the site, अब इसके अलावा let's see, ये तो flora का पूरा points थे. ठीक है कि यहाँ प्लांट्स कौन से पाए जाते हैं आपने देख लिया, फ्लोरा पूरा डिटेल देख लिया आपने, सुंदरी ट्री से नाम पढ़ा है इस बेल्ट का. ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या फौना, कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? सो सुंदरबंस इज वेरी फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर. यस, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज होम टू थ्रेटन्ड स्पीसीज सच एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड नॉर्दर्न रिवर टेरापिन बटागुर बास्का and endangered Irrawaddy dolphin and also vulnerable fishing cat. ये देखिए तीन के तीन important species इस बार के लिए, क्योंकि fishing cat भी news में, बतागुर बास्का भी news में and Irrawaddy dolphin तो news में चल ही रही है पिछले 3-4 years से. Questions might come from these three species. So you can see the wetland vegetation किसे कहते हैं. देखिए पानी का presence, ये देखिए ये marshy areas हैं, देखिए grasses हैं and पानी के अंदर.
वहीं पे स्वैम्प्स अगर आप देखिएगा, स्वैम्प्स का मतलब होता है बिग ट्रीज इनसाइड द वाटर. स्वैम्प इज प्रेजेंट इन इन दिस सुंदरबन, मैंग्रोव में स्वैम्प्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, देखिए हेलोफाइटिक वेजिटेशन मैंने बताया, हेलोफाइटिक का मतलब क्या है, जो सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन है. ठीक है, एंड लेट्स सी वन मोर डेटा आउट हियर. द सुंदरबन्स फॉरेस्ट इज होम टू मोर देन 400 टाइगर्स. द रॉयल बंगाल टाइगर हैव डेवलप्ड अ यूनिक फीचर ऑफ स्विमिंग इन द सलाइन वाटर्स. सो 400 से ऊपर टाइगर्स यहाँ पाए जाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, मैकेक्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, रिवर टेरापिन, ऑलिवर रिडलेट टर्टल्स, गंगा रिवर डॉल्फिन, हॉक्सबिल टर्टल, मैंग्रोव हॉर्सशू क्रैब, अलग अलग स्पीसीज बहुत सारे हम लोगों ने कवर किए हैं डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स के सेशन में. आज हम लोग कवर करेंगे कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज. पहला रिवर टेरापिन, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन आप देख सकते हैं यहाँ पे. इट्स अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड टर्टल. बतागुर बास का नाम है इसका. ओमनीवोरस डाइट है इसका. ठीक है, एंड टर्टल है ये, फ्रेश वाटर में पाया जाता है. दिस मेक्स इट, what do they do? Omnivorous diet का मतलब क्या, it makes them an essential part of efficient cleanup systems of aquatic habitats. तो cleaning up बहुत efficiently carry out करते हैं river terrapins, और even Brahmaputra river में, and this freshwater rivers and lakes including Brahmaputra river and Ganga river out here deltaic regions it's found. It's critically endangered, बहुत कम संख्या रह गई है. तो ये critically endangered category इसे याद रखिएगा. और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. इसमें इंडिया और बांग्लादेश में केवल डेल्टाइक बेल्ट ऑफ सुंदरबंस. व्हाई हैव द नंबर्स कम डाउन, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ फ्लैश फॉर मेडिसिनल पर्पज, डिमांड फॉर एग्स एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट्स ऑफ दिस फ्लैश टूवर्ड्स चाइना. आइए देखते हैं सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पे, हॉक्सबिल सी टर्टल. देखिए ये यहाँ पाया जाता है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सबसे बड़ी बात है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ अलग से. दिस कैन कम अप इन यूपीएससी. हॉक्सबिल सी टर्टल इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड सी टर्टल एंड दिस स्पीसीज हैज अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन. अटलांटिक एंड इंडो पैसिफिक बेल्ट्स में पाया जाता है. एंड दिस हॉक्सबिल शेल्स स्लाइटली चेंज कलर्स डिपेंडिंग ऑन वाटर टेम्परेचर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. इसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN में. एंड दिस टर्टल लिव्स पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन द ओपन ओशन. इट स्पेंड्स मोर टाइम इन शैलो लैगून्स एंड कोरल रीफ. तो लैगून बेल्ट, डेल्टाइक बेल्ट में और उसमें सुंदरबंस में ये पाया जाता है अच्छी खासी मात्रा में. वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन प्राइमरली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन फिशिंग प्रैक्टिसेस हैज क्लासिफाइड इट एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ये देखिए, एंड हॉक्सबिल शेल्स फॉर द प्राइमरी सोर्स ऑफ टॉर्टॉइस शेल मटेरियल फॉर डेकोरेटिव पर्पसेज. इसका जो शेल होता है इसी का इस्तेमाल होता है डेकोरेटिव पर्पज से, इसी वजह से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ गया. तो मैं फिर से बता दूं, इट्स अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड सी टर्टल. ये देखिए, ये समुद्र में पाया जाता है. सेकेंड पॉइंट, इट्स शेल कैन चेंज कलर एंड इट्स शेल इज यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पज. इट इज फाउंड इन लैगून्स एंड कोरल रीफ. दैट्स इट. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, अगले स्पीसीज पे इरावदी डॉल्फिन. ये देखिए, इरावदी डॉल्फिन आर फाउंड इन ब्रैकिश वाटर रीजन्स. ये देखिए, जहाँ पे दिस मिक्सचर ऑफ ओशनिक एंड फ्रेश वाटर. इट इज़ फाउंड इन द चिल्का लेक, सुंदरबंस एंड कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड थ्री रिवर्स, इरावदी, महकम रिवर ऑफ बोर्नियो एंड मेकोंग रिवर. तो राइट फ्रॉम सुंदरबंस एंड ओडिशा के समुद्री तट से, राइट फ्रॉम ओडिशाज कोस्ट लाइन नियर चिल्का लेक, सुंदरबंस, इरावदी टूवर्ड्स द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इट्स फाउंड. इट्स अ मैमल एंड इट्स कार्निवोरस. ये देखिए, इट्स स्टेटस इज एंडेंजर्ड. और गंगा डॉल्फिन से ये फर्क कहाँ पे है इसका, गंगा डॉल्फिन इज फ्रेश वाटर डॉल्फिन. ये देखिए, वाइल इरावदी डॉल्फिन इज ब्रैकिश वाटर डॉल्फिन. गंगा डॉल्फिन का दिस इज स्नाउट पॉइंटेड होता है और इरावदी डॉल्फिन का देखिए ब्लंट स्नाउट आप देख सकते हैं. ब्लंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड इट्स रिगार्डेड एज अ सेक्रेड एनिमल बाय खमेर एंड लाओ पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया. एंड अच्छी खासी मात्रा कम हो गई है इनकी भी.
इनका स्टेटस एंडेंजर्ड एज पर IUCN। तो आपने क्या क्या पढ़ा फौना में, फोर टोड रिवर टेराफिन, ये देखिए, सेकंड हॉक्सबिल सी टर्टल एंड थर्ड इरावदी डॉल्फिन। लास्ट फिशिंग कैट देखना जरूरी है, फिशिंग कैट ये देखिए, मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, वल्नरेबल लिस्टेड है IUCN पर, एंड वेटलैंड्स में ही रहता है ये कैट, बहुत सबसे बड़ी बात, दिस लिव्स इन वेटलैंड्स ओनली, एंड द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, एंड इसका अभी टैग तो अभी वल्नरेबल है, लेकिन IUCN पर एंडेंजर्ड टैग रिसेंटली किया गया, इसे ये देखिए, एंडेंजर्ड टैग एज पर IUCN रिसेंटली, इट्स अ कार्निवोरस स्पीसीज फोकसिंग अपॉन द फिशेज एंड द मराइन फूड चेन्स। अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ टिपिकल हाउस कैट, द फिशिंग कैट इज अ फेलिन विद अ पावरफुल बिल्ड एंड स्टॉकी लेग्स, एंड द फिशिंग कैट इज एन एडेप्ट स्विमर एंड एंटर्स वाटर फ्रिक्वेंटली टू प्रे ऑन फिश एज इट्स नेम सजेस्ट, इट इज नोन टू इवन डाइव टू कैच फिश, इट्स फाउंड, ध्यान दीजिएगा, इन इंडिया फिशिंग कैट्स आर मेनली फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस, द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस अलॉन्ग गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज एंड इन वेस्टर्न घाट्स। तो ये वेटलैंड से पाया जाता है, इट्स फाउंड इन ब्रैकिश वाटर ऑल्सो, इन फ्रेश वाटर ऑल्सो, हिमालय के फुटहिल पे भी, सुंदरबंस में भी, वेस्टर्न घाट्स में भी, ठीक है। द फिशिंग कैट इज नॉक्टर्नल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रात के समय शिकार पे निकलता है, एंड इट ऑल्सो प्रेज अपॉन अपार्ट फ्रॉम फिश ऑन फ्रॉग्स क्रस्टेशियंस स्नेक्स बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। और वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स फेसिंग द फिशिंग कैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स विच इज इट्स प्रेफर्ड हैबिटेट, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स वहाँ आने के कारण डिस्ट्रक्शन हो गया वेटलैंड्स का, इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट रिसेंटली। एंड क्या इंडिया में इसका कंजर्वेशन है, यस, द फिशिंग कैट इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल वन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। शेड्यूल वन मीन्स हाइएस्ट ऑर्डर प्रोटेक्शन, इसके अलावा साइट्स में भी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज में भी ये लिस्टेड है अपेंडिक्स टू में, ये देखिए। सो प्रोटेक्शन हैज बीन गिवन टू फिशिंग कैट, और फिशिंग कैट के ऊपर रिसेंटली दो न्यूज आए थे, आप देख सकते हैं, द फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट टू बिगिन इन आंध्र प्रदेश कोरिंगा बेल्ट, कोरिंगा इज अ मैंग्रोव बेल्ट, ये देखिए, एंड दिस आई हैव ऑलरेडी दिस टॉट इन द करंट अफेयर्स सेशंस। ये द हिंदू का न्यूज़ है इस बार का, और ये भी द हिंदू का न्यूज़ है, ये देखिए, फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस, ये देखिए एक ग्रुप है, फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस, नाउ इट इज़ किक स्टार्टिंग अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन ऑफ कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन का वर्ल्ड वाइड कैंपेन शुरू कर दिया गया है इसको बचाने की कोशिश में। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिशिंग कैट एंड इरावदी डॉल्फिन एंड हॉक्सबिल टर्टल एंड बतागुर बास्का। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे नोट कीजिएगा दिस इस इन्फॉर्मेशन में, इम्पॉर्टेंट क्या मैं बता दूँ आपको, दिस यस, सुंदरबंस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट ऑन January 30, 2019। द इंडियन सुंदरबन वॉज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, एंड इट इज़ द 27th रामसर साइट इन इंडिया, अभी और भी एडअप हो गए हैं, एंड रामसर कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान, केम इन टू फोर्स इन 1975, देख सकते हैं आप। और जब से इसे डिक्लेयर किया गया है तो ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बन चुका है, एंड इट इज़ गेटिंग टेक्निकल हेल्प एंड फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम इवन रामसर कन्वेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडियन सुंदरबंस मेट 4 ऑफ द 9 क्राइटेरिया, देखिए अब वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अगर घोषित करना है रामसर कन्वेंशन में किसी भी जगह को, तो 9 क्राइटेरिया दिए हुए हैं और उसमें 4 क्राइटेरिया मीट किया इंडियन सुंदरबंस ने, ठीक है, कौन से 4 क्राइटेरिया, ध्यान दीजिएगा, ये UPSC प्रीलिम्स में आ सकता है, विच ऑफ द 4 क्राइटेरियाज, विच ऑफ द 9 क्राइटेरियाज वर मेट बाई सुंदरबंस फॉर बिकमिंग अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो पहला है प्रेजेंस ऑफ रेयर स्पीसीज एंड थ्रेटन्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, यस, ये देखिए पहला। सेकेंड, रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थर्ड, सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेटिव फिश एंड फिश स्पॉनिंग ग्राउंड। एंड फोर्थ, माइग्रेशन पाथ, ये देखिए। सो दिस शोज 4 क्राइटेरियाज वर मैच्ड बाय इंडियन सुंदरबंस, एंड नाउ इट वाज डिक्लेयर्ड, आफ्टर दैट इट वाज डिक्लेयर्ड एज वेटलैंड ऑफ
इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यहाँ पे कौन कौन से थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं हम लोगों ने देखा अभी, रिवर टेरापिन, एरावदी डॉल्फिन एंड वल्नरेबल फिशिंग कैट यू कैन सी इट हियर। ऑल्सो टू ऑफ द वर्ल्ड्स फोर हॉर्स शू क्रैब स्पीसीज एंड एट ऑफ इंडियाज 12 स्पीसीज ऑफ किंग फिशर क्रैब आर ऑल्सो फाउंड इन दिस बेल्ट। सो क्रैब के भी रिच वराइटीज यहाँ पाए जाते हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ दैट एक और बस लास्ट पॉइंट है, दिस इंडियन सुंदरबंस इज द ओनली मैंग्रोव एरिया, मीन्स सॉरी दिस सुंदरबंस इंडिया बांग्लादेश दोनों जगह का इज द ओनली मैंग्रोव एरिया विच इज होम टू रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर और किसी जगह पे मैंग्रोव एरिया में नहीं रहता है, इतना याद रखिएगा। ओनली वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर, ओनली वर्ड। एंड ये कहाँ पे लिखा हुआ था, इट वॉज रिटन अपॉन रामसार कन्वेंशन के ही वेबसाइट पर लिखा हुआ था, इट्स द ओनली वेटलैंड, इट्स द ओनली मैंग्रोव पैच टू बिकम द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, दैट इज इट। तो आई सपोज दिस सेशन आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, सुंदरबंस के बारे में डिटेल्स, ठीक है, जितना भी न्यूज़ आया था मैंने वो भी कवर किया। और इस बार फिशिंग कैट इम्पॉर्टेंट है, फिशिंग कैट दिस कहाँ पाया जाता है, फिशिंग कैट के फीचर्स नॉकटर्नल है एंड व्हाई इज इट इन न्यूज़, यू हैव टू सी इट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द कंप्लीट फोकस अपॉन सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व एंड विद दिस द होल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स मैपिंग ऑफ इंडिया इज फिनिश्ड। आई होप यू लाइक द सेशन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स की मैपिंग जरूर देख लीजिएगा, प्रीलिम्स 2022-2023 यूपीएससी के सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन के लिए यूपीएससी के और स्टेट सर्विसेज के, इट्स वेरी बेनिफिशियल दिस सीरीज। And for the PDF, you can come up on IAS Toppers Mantra Telegram channel. And please subscribe to our YouTube channel, IAS Knowledge Mantra, before leaving this session. So that's it, students. Take care. Namaskar. I will end the session.